बिजुपाड़ा के इस ऐतिहासिक चौक में आज राष्ट्रपिता गांधी जी के जयंती के अवसर पर और स्वर्गीय सोमा टाडा भगत की जयंती के अवसर पर और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर आज हमारे साथ दूर से आए हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े गार्जियन कमलेश महतो जी, पूर्व अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदीप बालमुच्छू जी, उपस्थित आप सभी के चहेते पूर्व विधायक शिक्षा मंत्री रहे श्री बंधु तिर्की जी, उपस्थित रविंदर सिंह जी, अभिलाष साहू जी, हमारे तारा भगत समिति के अध्यक्ष भाई मंगरू तारा भगत जी, उपस्थित शिव उराव जी, उपस्थित बेलस तिर्की जी रांची जिला से आए सुंदरी जी और उपस्थित यहाँ तमाम जितने भी अतिथिगण हैं और विशेष रूप से जो आसपास के लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को हम लोग इस स्थल पे करते हैं प्रत्येक साल, और हम लोग माननीय विधानसभा के पूर्व में जो बहुत हम या आज से कई साल पहले स्वर्गीय सोमा टाडा भगत को हम लोग आज इस मंच से याद करते हैं। आज का मंच केवल मनोरंजन का मंच नहीं होता है, इस जगह के लिए कई सारे चीजों को यहाँ की जनता सीख के समझ के जाती है और उसके अनुसार अपने समाज को एक दिशा देने का काम करती है। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं। गांधी जी लगातार इस बात को कहते थे कि भारत का धड़कन, इस देश का धड़कन गांव में बसता है। आज उसी गांव का हम जैसे लोग नेतृत्व करते हैं और यही कारण है कि हमारा महागठबंधन का सरकार लगातार प्रयास करता है कि सरकार रांची से नहीं, सरकार शहर से नहीं, मगर सरकार गांव से चले। और यही कारण है कि हमारे सरकार में सबसे अधिक 2019 के बाद सबसे अधिक योजना अगर आया है तो वो हमारे महागठबंधन की सरकार ने लाया है, और ये गवाह है। आप याद करिए 2019 से पहले रघुवर दास की यहाँ पे सरकार था, यूनिवर्सल पेंशन, किसको किसको पेंशन मिलता था, गांव में पंचायत में गिना चुना लोगों को पेंशन मिलता था। सही बात है कि नहीं? सही बात है, आप इस बात को जानते हैं। मगर आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पेंशन के योजना से छूटा हुआ है। बरसत है कि उसका कागज पत्र सब सही है, उस व्यक्ति को, उस महिला को, उस बुजुर्ग को, उस बच्चा को पेंशन मिल रहा है। आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती मना रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने का काम उन्होंने किया था, और हम लोग ये सरकार वैसे महापुरुष के मार्गदर्शन में चलता है। यही कारण है कि आज हमारा सरकार किसानों का 50,000 नहीं मगर 2,00,000 रुपया लोन तक माफी कर रहा है। इस बात को बंधु तिर्की जी भी बोल रहे थे कि आज लोगों का बिजली बिल भी माफी करने का ताकत हमारे ही सरकार को था। इससे पहले भी कई सरकार था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बोल बोल के यहाँ वहाँ कनेक्शन, 4-5 कनेक्शन लगा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजली बिल 75,000-80,000 भी हुआ कि नहीं। मगर आप हाथ उठा के दिखा दीजिए आज सभी लोगों को, आसाम का लोगों को, मध्य प्रदेश लोगों को, कि कितना लोगों का बिल बिजली बिल माफ हुआ है। हाथ उठा के दिखा दीजिए, हाथ उठा के दिखा दीजिए जिनका माफी हुआ है। जो दूसरे राज्य से लोग आके यहाँ पे आदिवासी मूलवासी को, झारखंडियों को राजनीति सिखाते हैं, अपना समाज कैसे चलाना है
जवाब देने का जरूरत है। हम लोगों ने यहाँ की जनता ने पूरे विश्वास के तहत 2022 में मुझे चुनाव जिता के भेजा। उपचुनाव का मात्र 2 साल का समय मिला, 2022, 23 और 24, मगर उस विश्वास में खरा उतरने का काम हम आप लोगों के लिए किए हैं। बहुत लोग बोलते थे कि अनुकंपा का विधायक है, पिताजी का नाम में वोट मिला है, महिला है, बेटी है, नहीं कर पाएगी। मगर आज चौक चौरास्ता में, यही बिजूपाड़ा का चौक चौरास्ता में बीजेपी के भी लोग बोलते हैं कि विधायक जैसा कोई काम नहीं करता, किसी भी क्षेत्र का विधायक इतना काम नहीं करता है, इसको विपक्ष के भी लोग यहाँ पे बोलते हैं। और ये आप लोगों के कारण हुआ है, आप लोगों के माध्यम से जो ताकत मिला है, हम लोग अधिक से अधिक योजना, पूरे झारखंड भर में सबसे अधिक योजना हम लोग अपने मांडर विधानसभा में लाने का काम किए हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है, ये 2 साल अभी ट्रेलर का, अभी 5 साल का पिक्चर बाकी है, 5 साल का पिक्चर बाकी है। मांडर विधानसभा देखेगा कि विकास का मॉडल क्या होता है, विकास का मॉडल क्या होता है। एक एक जगह पे जहाँ जहाँ रोड छूटा है, उन सभी रोड को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ऐसा विकास करेंगे आने वाले 5 साल में कि लोगों को विपक्ष को रोड ढूंढने में भी रोड नहीं मिलेगा। इतना विकास हम लोग करके दिखाएंगे। मगर बरसने की जरूरत है कि मांडर से लोग एक यहाँ पे माहौल पूरा झारखंड में बनाने का कोशिश करें, और वो ताकत मांडर विधानसभा को है। और इसीलिए आज ये प्रदेश का कार्यक्रम हम लोग आगाज कर रहे हैं, यहाँ से चानो से मांडर विधानसभा से। आप याद करिए, जब कभी ये विपक्ष के लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को कि मांडर विधानसभा से पूरे झारखंड भर का राजनीति तय होता है। आप याद करिए, पिछले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, जब वहां चुनाव हो रहा था मुड़वा में, उसी दिन, और भी दिन है, मगर उसी दिन वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया, पूरा दिन नेशनल मीडिया में इसको चलाया गया कि मुड़वा के पवित्र स्थल पे मंदिर को तोड़ा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार नहीं बन पाया, वहां पे भी माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। आने वाले समय में आप अगले 1-2 महीने में इन चीजों को, इन हादसों को अधिकतर देखेंगे। यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा। रांची में आप लोग हाल ही के दिनों में देखे, वहां पे भी माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। इन लोगों को मेहनत करके, इन लोगों को विश्वास के तहत लोगों का भरोसा जीतना नहीं आता है, इसीलिए छल कपट करके ये लोग आपके साथ छल कपट करके यहाँ का सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और यही प्रयास में असम का मुख्यमंत्री आ रहा है, इसी प्रयास में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है, ओडिशा का मुख्यमंत्री आ रहा है, और इस देश का और इस राज्य का जो ताना बाना है उसको खराब करने का प्रयास कर रहा है, इस राज्य का जो ताना बाना है उसको खराब करने का प्रयास कर रहा है। लगातार ये लोग बोलता है घुसपैठिया घुसपैठिया, मान के चलते अगर एक बार हम लोग की इस राज्य में घुसपैठिया है तो क्या वो इस 5 साल में आया है? 18 साल शासन आप कर रहे थे, 5 साल में घुसपैठिया आया है? और आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठिया घुसपैठिया बोल रहे, यहाँ के लोगों को भी आप घुसपैठिया बोलने का काम कर रहे हैं, सारा माहौल सारा ताना बाना को आप खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, केवल और केवल अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए। इन लोगों को, ये जो दूसरे राज्य से आके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और दूसरे जगह से आके हमारे लोगों को बरकरार का काम कर रहे हैं, इन लोगों को यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक से कोई इनका मतलब नहीं, इनको मतलब है तो कैसे झारखंड
महान राज को दोबारा हासिल करें, ताकि यहाँ के खदान, यहाँ का जो संपत्ति है उसको लूट खाए। अगर यहाँ के लोगों से इनको मतलब होता तो आज जो राज का बकाया 1,68,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार में है उसको वापस करते, ताकि हम लोग अपने राज का और बेहतर विकास कर पाते। मगर उस पैसे के ऊपर ये लोग हाथी के जैसा बैठे हुए हैं, उस पैसे के ऊपर ये लोग अपने पास सारे पैसे को रखे हुए हैं, और इस राज को ये लोग कभी न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। इस राज के लोगों को और इस राज के संपत्ति को ये लोग तीर की तरह नोच खाना चाहते हैं, यही सच्चाई है। और इसका प्रयास लगातार 18 साल किया गया, इस राज को खोखला बनाने का प्रयास किया गया। 5 साल में हम लोगों ने जो मकर का जाल है उसको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुलझाने का काम किया है, सुलझाने का काम। और इसीलिए मैंने कहा कि ये अभी टीजर था, असली विकास का ये पिक्चर अभी भी बाकी है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से कहना है कि इस बार किसी जाति और धर्म के नाम पे बहकने का काम मत करें, इस बार अपने समाज को अपने वोट को बांटने का काम ना करें। आप इस राज्य को मजबूत बनाए, महागठबंधन की सरकार को मजबूत बनाए, अब एक एक समुदाय के साथ, एक एक वर्ग के साथ, एक एक धर्म के साथ, एक एक जाति के साथ खड़े हैं। यही बातों को बोलते हुए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार।